ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ अजुनी सैभं गुरप्रसाद मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुनै जौ काल कृपा कराए कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सुधारी तन सतगुरु चवर शतर तखत दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे सब गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी अमृत वेले तो गुरु चरणा का आनंद माण रहे हो। सुखमी साहब जी के पाठ होए चौपाई साहब के पाठ हो गए ने हुण कुछ समा गुरमत की विचार शब्द की विचार दा है आओ विचार आरंभ करिए। गुरु बख्शी फतेह बुलाओ सब आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहिब गरीब नवाज जी का फरमान है किन बिद मिला गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग देह बताई। हे वाहिगुरु जी पहलों तो बेनती है तुसी केड़े ढंग नाल मिलदे हो तुहानू मिलन दी जुगती की है। फिर पता लगा कोई ऐसा गुरमुख होवे जिहड़ा आप जुड़िया होवे ते जुड़न दे तरीके जुड़न दी जुगती जिहड़ा जानदा होवे उहदे नाल मिलाप कराओ। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग देह बताई। मार्ग तो भाव है रस्ता जिवें असी कहांगे ना सारा पंथ बैठा होया ते पंथ दा अर्थ है रस्ता राह जेड़ा राह गुरु नानक साहब ने चलाया उस राह ते चलण वाले गुरु नानक दे पंथ दे लोग ने जेड़ा पंथ कलगीधर पातशाह जी ने चलाया। पंथ दा मतलब बंदे नहीं हुंदे पंथ दा मतलब हुंदा भी जेड़ा कलगीधर पातशाह जी ने मर्यादा बनाई जेड़े उस मर्यादा नूं मन रहे ने जेड़े वो रौह रीतां नूं नभा रहे ने उस पंथ ते चलण वाले उस राह ते चलण वाले वो गुरु नानक कलगीधर दे पंथ दे बंदे ने उन्हां दे चलाए हुए राह ते तुरन वाले लोग ने। और कोई ऐसा संत गुरमुख प्यारा होवे जेड़ा मैनूं सही पंथ ते चला दे सही रस्ते ते चला दे। पिछे जे समागम होया सारे लोग साडे नाल प्यार रखदे आ पीए गुरु अर्जन देव जी दे घर दे सेवादार ने हर एक दे मन दी इच्छा हुंदी आ भी साडे कोल कथा करन वास्ते आउण। पर साडी भी हथ जोड़ के बेनती आ जदों असीं एक वार दो वार किते जाने आ ना कथा करन वास्ते उत्थे साडा तरीका इहो ही साडा मतलब हुंदा कि किसे ढंग दे नाल ये सही विचारधारा दे नाल जुड़ जाण जे कोई इन्हां दे अंदर ढिल्लां है कमियां है तो इन्हां दियां निकल जाण ते शब्द दे पुजारी बन जाण। क्योंकि अज दे समें विच जो गुरु नानक साहब ने आके आख्या कि शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बहु रानंग। शब्द तो बिना तो दुनिया झली होई फिरदी है दुनिया नूं नहीं पता भी किहदी पूजा करनी है किथे मत्था टेकना किहदी आराधना करनी है। क्योंकि जो होर भी लोकां दुनियादार दे बंदे कोल जदों कोई पुछण जाऊगा ना तो लोकी दुकानां बना के बैठे हुए आ तो अपनी कमाई वास्ते लोकां नूं शब्द नाल जुड़नी नहीं दिंदे
जे सारी दुनिया शब्द नाल जुड़ गई तो पखंडियां दियां दुकानां किदां चलणगियां, इन्हां लोकां नूं किदां कोई धागा तवीत को लैण जाएगा जां होर होर पासे, वह गल्लां ही होर होर दसदे आ। आओ विचार आरंभ करिए, सारे फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उन्होंने विचार होर होर दसनी है जिदे नाल उन्हों का कारोबार चलता रहे। हुण इच्छा करदे आ क्योंकि पंथ की गल आ गई है, मैं दो मिनटे गल करके अपनी गल ते आ जाना। फिर जदों असीं एक वारी कथा कर आउने आ, जे उत्थे मर्यादा घट भी होवे तां वी कर आउने आ। क्यों कर आउने आ? क्योंकि जिथे पहलों ही मर्यादा हो रही है, सारी गुरमत हो रही है, उत्थे भावें घट जाया जावे कोई गल नहीं, जिथे गुरमत नहीं हो रही उत्थे जाणी साडी जिम्मेवारी है। भावें को सानू पानी भी ना प्याले, भावें को सानू भेटा भी ना दवे, कुछ भी ना करे, जिथे गुरमत नहीं हो रही उत्थे जाण दी साडी बहुती जिम्मेवारी। फिर वह गुरमत नहीं हो रही तो गुरमत दृढ़ करा के आना भी साडी जिम्मेवारी है। जे असी जो वो कर रहे ने उन्हूं उत्ते थापी दे आईए भी शाबाश तुहाडे वर्गा कोई नहीं, तां वी गल नहीं बनदी। ते जदों ओहो जे थां ते एक वारी गए, दो वारी गए, तीन वारी गए, जदों फिर भी अगले उस पास्यों हटना नहीं चाहुंदे, तो फिर उत्थे साडा फर्ज बनदा भी हुण इत्थों हट जाओ, बार बार नहीं जाना। क्योंकि असी किसी के मुल खरीदे भी नहीं होए, जे को आखे भी असी भेटा बहुती दे के इन्हां नूं लै जाइए, तो इत्थे ते किसे दी थानेदार ना सांझ होवे तो उहदे पैर भुंजे नहीं लगदे, तो गुरु अर्जन देव जी का जिहड़ा वजीर होवे उहनूं कौन खरीद सकदा। एक माण हंकार वाली गल नहीं, मैं अपने गुरु की गल कर रहा भी मेरे गुरु वर्गा कोई दुनिया से नहीं हैगा, इस करके हाथ जोड़े जे दो तीन वारी जाके भाई एवें ना जिथे मर्जी गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिया करो। हाँ महाराज साढ़े मंदरां विच भी गए ने, पर मंदरां विच जाके तो उन्होंने आरती किहदी करनी है करन दी जाच सिखाई, उन्होंने मगर मगर नहीं थाली फड़ ली तो मूर्ति के मगर खलो के। मारे मसीत विच ही गए तो मसीत विच जाण नाल गुरु नानक साहब कोई सिक्खी चो बाहर थोड़ा निकल गए। महाराज जी मक्के तक गए, पर उन्होंने जाच दसी भी करना की है, पूजा किहदी करनी है, अर्चना किहदी करनी है, किहदे अगे हथ जोड़ के खलोना। हुण जदों एक बार दो बार तीन बार वह जदों हटे नहीं तो फिर असी नहीं जाते। तो फिर मैनू पिछली बार उन्होंने बड़ी प्रेरणा दे के ऐरका तो मैं हथ जोड़ते, मैं कहा नहीं, मैं तो पूरा जोर लग गया। कुछ लोग उत्थे मेरे नाल नाराज भी होए भी तुसीं इस गल नूं स्पष्ट करन वास्ते आले दुआले की बड़ी झंड हो गई। मैं कहा वह गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं, मैं नहीं कुछ भी कह रहा, पंथ की गल चली। मैं कहा तुसीं कहिंदे जे भी कबीर साहब जी के जन्मदिन से लै गए तो जिस गल के विरोध में वो महापुरख सारी जिंदगी रहे, उस महापुरख की मूर्ति बना के तो उत्थे मत्था टेकते सी ते लागे गुरु साहब का प्रकाश किया होया। मैं कहा इन्हों चुको एक पासे करो फिर गल बननी है। फिर मेरे मन में भी जे मैं कथा ना की इन्हों समझ नहीं लगनी, फिर मैं बिठा के सारी गल दसी भी तुसी कहिंदे जे असी कबीर पंथी हैं, तुसी कबीर पंथी है नहीं हैगे, मैं कबीर पंथी हाँ, मैं नानक पंथी हाँ, क्योंकि नानक ते कबीर दी विचार रलदी है, तां उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच है। ना उन्हां किसी मूर्ति नूं मत्था टेकिया ते ना वह कहिंदे ना मैं मूर्तियां बन देनियां, ते जिहड़े जिन्हां गल्लां दे विरोधी कबीर साहब रहे तुसी उन्हां दी मूर्ति बना के तो उन्हां दे अगे भेटा फुल रख के मत्था टेक रहे हो, फिर तुसी कबीर पंथी किदां हो गए। कबीर पंथी वह वा जिहड़ा शब्द का उपाशक होएगा, जिहड़ा उन्हां दी विचारधारा दे नाल चलेगा। जे को आखे बाबा श्री चंद जी असी तुहानूं बुलाया तुसी आउंदे नहीं, चलो साडे नाल सांझ बड़ी रखदे आ, प्यार नाराजगी भी जताउंदे आ, मैं हथ जोड़ के बेनती करनी चाहुंदा कि बाबा श्री चंद जी ने जो लिखिया अपनी कलम नाल पहलों वह तो पढ़ो, वह तो तुहाडे तक पहुँचण ही नहीं दिता किसी ने, तो एवें तुहानूं बाबा श्री चंद की मूर्ति बना के तुहानूं उहदे उपाशक बनाता। उन्होंने केड़ी मूर्ति बनाई सी बाबा श्री चंद ने? कोई मूर्ति नहीं बनाई उन्होंने, पता जो लिखिया जो उन्होंने अपनी पोथी अपनी विचार लिखी तो की लिखिया, उन्होंने अपनी कलम फड़ के पहले दिन लिखिया भी मैं आरती लिखन लगा, तो आरती उन्होंने की दी कीती है, उहदा सरलेख आ जिवें तुसीं हुण बाणी पढ़ी, उहदा सरलेख आ सुखमनी, सत्कार नाल तुसीं सुखमनी साहब कहिंदे हो,
जपजी साहब का सरलेख महाराज ने लिखा होया जप जप जी साहब तुसी सत्कार नाल कहिंदे हो। उन्होंने भी आरती लिखी तो उहदा एक सरलेख लिखा। उन्होंने कहा आरती नानक शाह की शाह शैन शाह की। उन्होंने आख्या मैं किसी होर की आरती नहीं लगा करन, मैं आरती अपने उस बापू की कर लगा जिहड़ा दीन दुनिया का मालिक जिहड़ा आप परमेसर दुनिया ते आया। हुण जिन्हें अपने बापू की आरती की है होर किसी की नहीं की, उन्हें चुक के कहता जी ये शिवजी का अवतार आ, वह दूजे पासे मूर्तियां बना के तो लै गए। हुण सानू आखण भी उत्थे कथा करना हो, असी समझाया भी गुरु नानक का पंथ नहीं गाए, गुरु नानक का पंथ शब्द का पुजारी आ। जे फिर भी कोई नाराज हो तो उहदे अगे हथ जोड़ के बेनती है भाई ये सारे पासे सारे भगतां दी भट्टां दी सिखां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कीती है ते उहनां दी कीती है जिहड़े एक अकाल पुरख नूं मन्नण वाले होर नहीं। दूजे जिन्ने भी आ जे को गुरमुख गुरमत दा धारनी हो तो उहदे कोल राह पुछ लांगे, जिवें अज गुरु साहिब जी दे बोल ने किन कित बिद मिले गुसाई मेरे राम राए। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग देह बताई किदां मिले। फिर अगों मारे कहिंदे ने चंगियां दी संगत करो ते गुरमुखां दी पछाण होगी भी गुरमुख कौन आ। जे चंगियां दी संगत ना करोगे तो गुरमुख दी पछाण भी नहीं आउणी। लोकी भटक सकदे आ क्योंकि अंतर अलख ना जाई लखण विच होमै पड़दा पाई माया मोह सबो जग सोया ए भरम कहो क्यों जाई। सारी दुनिया माया दे मोह विच सुती हुई है, भरम किदां निकले। फिर अगों भरम निकलन दी जाच महाराज कहिंदे ने भरम किहे दा भी एवें नहीं निकलना जिथे मर्जी को तुरिया फिरे, क्योंकि जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई। ये जिहड़ा शरीर है किहदा वा, ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी का बनाया होया। जिन्हें भी विच ने सारियां दा सत्कार हो सकता पर किहे ने भी शरीर नहीं बनाया, शरीर एक परमेसर ने बनाया। असी अपनी मावां दी कुख तो जन्म लिया होया, किन मदद कीती है उत्थे उत्थे केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने ही सारी कृपा की। मां दे शरीर दे राही साडा तुहाडा सारियां दा जन्म होया वा, ये कौन कृपा करन वाला। मारे कहिंदे ने जिसका ग्रह, ग्रह दा भाव शरीर, ये शरीर वा अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, जिन्हें शरीर बनाया उन्हें इहदे उत्ते मोह दा जिंदा मार दिता। ते हर एक जिंदे दी चाबी हुंदी है, चाबी किहदे कोल। बारे कहिंदे जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई, उन्हें जिंदा मार के कुंजी दे दिती है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। कुंजी गुरु दे कोल आ। ते मारे कहिंदे ने अनक उपाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरणाई। हुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सरण पैण तो बिना जिन्ने मर्जी को जतन करदा फिरे जिंदगी जिउण दा सही ढंग तरीका भी पता नहीं लग सकदा, ते परमात्मा किदां मिलना भी नहीं किसे नूं पता लग सकदा, क्योंकि ये सब दातां ये सब बरकतां पूरे गुरु दे कोल आ। तां करके ही साध संगत जी तलवंडी पिंड दे विच झगड़ा हो गया, क्योंकि आप नारायण कला धार जग मैं परवरे हो, हुण उहदे हथ विच कुंजी आ। जिहदा उहने जिंदा खोलिया उहदा मोह दा पड़दा लथ गया, जिहदा अजे जिंदा नहीं खोलिया उहदे मोह दे पड़दे दे थले आ। उत्थे पिता मेहता कालू जी रोज इसे गले लड़ रहे आ भी नानक तू कमाई नहीं करदा, नानक तू कम नहीं करदा, तैनू 20 रुपये दिते सी तू लोगों नू उत्थे खवाल प्याल के आ गया, लोगों के बच्चे कम करते तू करता कुछ नहीं। पिता ने चपेड़ा भी मारिया, नाराजगी भी हुई, कई कुछ होया, पर अजे तक मेहता कालू जी का मोह का भरम का पड़दा नहीं ना लथा। त करके वह कहिंदे जिदन लथ जाऊगा वह इतिहास अगे आ, उदन हथ जोड़ जोड़ के पैरों में बहिंदे सी भी मैनू पता ही नहीं लगा। नानक तू कमाई नहीं करता, हालांकि समा आने वाला जो सारी दुनिया गुरु नानक की कमाई दे अगे हथ जोड़ेगी। जिहड़ा भाई गुरदास जी ने आख्या ना गढ़ बगदाद नवायक है, मक्का मदीना सबे नवाया, सिद्ध नाथ अवतार सब गोष्ट कर कर कन्न फड़ाया। गुरु नानक देव जी दे नाल जिन्हां जिन्हां ने भी चर्चा करन दा जतन कीता महाराज ने उन्हां दे कन्न फड़ा दिते, ते सारिआं नूं कहना पिया कि सिद्ध बोलन शुभ वचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई,
भई इस कलयुग दे विच गुरु नानक तो वड्डा होर कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने आण के नाम की जोत जगा दिती। जिस नाम की जोत ने हनेरे विच भटकते हुए लोगों नूं सीधा रस्ता विखाया, वह गुरु नानक देव जी महाराज नूं। फिर उन्हां दी भैण भैण नानकी ने आख्या, पिता जी तुसीं काले पैंदे हो बार बार, इको मेरा वीर आ। तो मैनू जदों खबर पहुँचती है ना सुल्तानपुर भी अज फिर पिता ने झिड़किया, हुण फिर पिता ने झिड़किया, तो मैनू बड़ा दुख हुंदा। हुण मेहता कालू जी कहिंदे आ, फिर इहदा की करिए। वो कहिंदे आ, असीं अपने नाल लै जांदे आ ते उत्थे जा के कोई ना कोई कारोबार करा देंगे। तुसीं बिल्कुल फिक्र ना करो, तुसीं काले पै के गल करदे हो, प्यार नाल कोई ना कोई व्यापार विच ला दिंदे। उहनां कहा ठीक है। भैण नानकी जी लै गए, भाइया जय राम जी जिहड़े सन महाराज दे, उन्हां दी वाकबियत सी, वह चंगे घराने दे खत्री लोग सी। उन्हां ने भाइया जय राम दे जिहड़े पिता जी सन, उन्हां दी नवाब दौलत खान दे नाल बहुत मेल जोल सी। उन्हां नूं कह के सरकारी नौकरी तलवा दिता गया। सरकारी नौकरी मोदीखाना इदां दा नहीं सी जिदां दे पिंडां विच डीपू हुंदे आ, वो इदां दा नहीं सी। वो दे आले दुआले पिंडां दे सारे लोग उस मोदीखाने दे विचों राशन लैंदे सी। नवाब दौलत खान की जिन्नी फौज, सारिआं दा खर्चा उस मोदीखाने विचों चलदा सी। बहुत बंदे रखे हुंदे सी, बड़ा वड्डा कारोबार सी उह जिहड़ा गुरु नानक देव जी महाराज नूं नौकरी दित्ती गई। सतगुरां ने मोदीखाना भी कीता, वंड के छकिया, नाम जपिया ते जपाया, समा आ गया। समें दे नाल बटाले तो रिश्ता आ गया भैण नानकी दे वीर नूं। मूल चंद खत्री दी सपुत्री बीबी सुलखणी, ये चोणे खत्री, इत्थों जदों एक ब्राह्मण ते एक लागी रिश्ता लैके गए, भैण नानकी ने अपने वीर वास्ते वह रिश्ता प्रवान कर लिया। जिहड़ा वह लियाए प्यार जिहड़ा मिठा लियाए, थड़े ते गुरु नानक देव जी महाराज बैठे हुए सी, उन्होंने कारोबार वेख्या, बड़े खुश हो के उन्होंने महाराज की झोली विच जिहड़ा प्यार सी उह सगन पा दिता। महाराज ने कबूल कर लिया, जाके गुरु नानक देव जी की बड़ी सिफत की इत्थे बटाले आके, भी मूल चंद जी जिहड़ा मुंडा असीं वेख के आए हाँ, पूरी दुनिया में उस मुंडे वर्गी सुंदरता नहीं होनी। छोटी उम्र के एडा कारोबार वा भी पता नहीं किन्ने एक नौकर चाकर आले दुआले, वो को ते माया गिनी नहीं जाती इन्नी कमाई है मोदीखाने के उ है भी इदा। तुसी हैरान होवोगे पढ़ के जदों भी लोगों ने चुगली मारी भई नानक तो उत्थे तेरह तेरह करके तोली जाता, तो लोगों दी झोलियां भरी जाता, तो नवाब जी जिदन मोदीखाना उजड़ गया, अणदाड़िया मुंडा मोदीखाने ते लाता, अणदाड़िए बंदे ते लोग यकीन नहीं करते होंगे, तो तू किनू ला दिता? मोदीखाना उजड़ गया तो उन्हें अपने पिंड नूं चल जाना, तो पैसे कितों पूरे करेगा? जदों भी हिसाब होया उदों ही गुरु नानक देव जी के पैसे वधदे रहे। एक बारी 360 वधदे आ, एक बार 350 वधदा, एक दिन अखीर बार जो हिसाब करदे उदों 750 रुपया वधदा। और उन्हें दिनों का 750 रुपया वह वा जो 50 रुपया विच किला पैली आ जाती सी, जो लोगों को पैसा कोई हुंदा ही नहीं सी। जे जमीन कि मुल वा उन्हां दिनां दे विच 350 रुपये का 750 रुपये का, तुसीं अज दा हिसाब ला लो, अज पैली किला लैनी है तो 25-26 लख रुपये नूं किला आम पिंडां दे विच, उदों दा 100 रुपया ते अज दा 25-26 लख रुपया एक बराबर मान लो। तुसीं इन्नी कमाई सी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं, ते उह पैसे वधदे आ, ते उह वधदे पैसे फिर भी महाराज जो कुछ आउंदा अद्धा लोड़वंद गरीबां नूं वंडदे आ, ते अद्धा घर दिंदे ने, क्योंकि महाराज जी गृहस्थी भी ने, आए गए की सेवा भी करदे आ। इह सब कुछ लागियां ने बटाले आके दस्सिया, ते मूल चंद बड़ा खुश होए। उन्होंने ब्राह्मण नूं ते उस नाल गए हुए लागी वीर नूं बड़ी माया दे के आख्या, हुण थोड़े दिनों बाद फिर जाओ, साढ़े वालों हुण जिहड़ा साया विआह की तरीक निकली है ना, ये जाके हुण सुल्तानपुर दस के आओ। सुल्तानपुर सुना आ गया कि आ तरीक आ गई है जी, ते कृपा करके प्रवान करो ते बरात लैके इस तरीक नूं बटाले आओ। भैण नानकी ने आख्या ठीक है। भैण वड्डी सी, मापिया ने उहदा कदी बचन नहीं सी मोड़िया, उंज भी बड़ी सियाणी सी भैण नानकी। जदों सुल्तानपुर लोधी तों तलवंडी पिंड नूं सुना गया, ते मेहता कालू जी बड़े खुश होए। पहलो जदों रिश्ता होया उदों वेखण आए,
ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਢਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਖਾਣ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਪੱਤ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਇਓ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਧਰਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਘਲਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਲ ਗਈ ਆ ਨਾਲ ਤੇਗ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਵਾਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦਾੜਿਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਆ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੋ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੰਡਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਜ ਚੱਲੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੰਧ ਤਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪਿੰਗਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੂਲੇ ਪਿੰਗਲੇ? ਹਾਂ, ਆਉਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਰੀਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਉਹ ਮਰੀਦ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਏ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਦੱਸਿਆ ਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾ ਸਮਝ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ, ਰਾਥ, ਗੱਡੇ, ਬੌਲਦ, ਘੋੜੇ, ਤੰਬੂ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਊਠ, ਤੰਬੂ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਝ ਚੜੂਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੜੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜੰਝ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੰਝ ਲੰਘੀ, ਲੋਕਾਂ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਝ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਪੱਗ ਜਰੀ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾੜੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਟਾਲੇ, ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਬਰਾਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੀ ਨਾਲ ਲਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੋ ਵੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, 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 ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ। ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਰਹੀ, ਬਰਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅੱਖਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਢੁੱਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਖਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹੁਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਝ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਰਾਤ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਲੇ ਚੌਂਕੜੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੁਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਪਾਇਆ। ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ,
एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना दिती बांग नमाज कर सुन समान होवा जहाना सुन मुन नगरी भई देख पीर पया हैराना पीर दस्तगीर भी हैरान हो गया कि सारी नगरी विच सुन पै गई है। सुन पैण दा भाव हुंदा अज ने असी तुसी बैठे हैं ना जदों मन दे विच कोई फुरना ही ना बजे कोई मंग ही ना बजे तुरिया जांदा मन एकदम टिक जाए खलो जाए तो मन हिले ही ना ऐसा दर्शन कर लिया ऐसा किसी का मूँह वेख लिया ओदा मूँह वेख के तो मुड़ के पर हुण नू जी ना करे कोई मंग ही ना उठे समझ लो अंदर सुन पै गई भी अंदर कुछ बचिया ही नहीं अंदर कोई फुरना नहीं बचा सारे बगदाद शहर नू इंज गुरु नानक देव जी ने अपने अगे लिया के बन दिता जिदा वेखण नू मनुख जापदे सी पर इंज लगदे जिदा उह मूर्तियां बैठियां होईयां उह हिलणी ना बगदाद दे पीर दस्तगीर ने आके वेख्या कौन आ गया ओए एडा जबरदस्त सारे बगदाद विचों कितों आवाज ही नहीं आ रही इको पासे ध्यान लाया होया ओ फिर वेख्या पीर ध्यान तर उन्हें फिर ध्यान ला के वेख्या ये कौन आया भाई गुरदास जी कहिंदे ने पुछे पीर ध्यान कर कौन फकीर किसका करहाना ये कौन आया भाई किहड़े खानदान विचों आ खानदान दी तां गल करदे सी महाराज दी इक विचार हुंदी सी जिहड़े इलाके विच जांदे सी जिहड़ी बोली को समझ सकदा सी उसे बोली विच ही उहनूं समझाउंदे सी पर पग महाराज ने अपनी बद्धी हुंदी सी उह कहिंदा सी पग इहनां दी इहनां दा बाणा ये हिंदुस्तान दा वा उस देखदा पर इहनां दा ढों समझाउण दा ढंग तरीका ये साडे लोकां वर्गा ये तो बड़े सौखे तरीके दे नाल इन्होंने सारे शहर नूं अपने मगर ला लिया उन्हें पूछया कौन फकीर किसका करहाना ये किहड़ा फकीर आया भाई जिहदे पिछे सारी दुनिया लग गई भाई नान मरदाने ने वह जवाब दिता सी जिहड़ा भाई गुरदास जी ने लिखिया भी पूछया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना भाई मरदाने ने आख्या भाई नानक कल विच आया 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 कल दा भाव है कलयुग कलयुग नूं तारन वास्ते गुरु नानक देव जी आए ने नानक कलयुग आया रब फकीर इको पहचाना धरत आकाश चहों दिस जाना चौवां धरती आकाश थले उत्ते सारियां दिशावां विच गुरु नानक दे नां दा डंका वज गया वा पीर जी तुहां कदी दर्शन नहीं कीता गां हो के वेखो उस पीर ने जदों गुरु नानक दा दर्शन कीता सी ते सुन उहदे अंदर वी पै गई सी पर चलो ओहदा रुतबा बड़ा तगड़ा सी ना एकदम बंदा डिगदा नहीं रुतबे वाला भी मेरे संगी साथी की कहणगे भी इह झट ही डिग पिया उहनूं विचार करके फिर पैरां ते पाया सी जिहड़ा भाई गुरदास जी कहिंदे ने गोस्ट कर कर कन्न फड़ाया सारिआं दे कन्न फड़ाते सी गुरु नानक देव जी महाराज ने जिहड़े वड्डे वड्डे ग्यानी सी बणे होए रहो विचार जिवें बगदाद विच होया उवें बटाले विच होया ते बटाले दे लोकां नूं सुध बुध भुल गई भी जंज नूं रोटी खवाल के ते आप भी खाणी आ कलगीधर पातशाह जी अपना हाल लिखदे मारे कहिंदे जदों मेरे नाल तीन सिख रह गए एक मुसलमान ने टिचकर कीती भी आओ जांदा गुरु गोबिंद सिंह ना डल्ला ना मल्ला आओ जांदा गोबिंद सिंह कल्ला मारे कहिंदे खलो जो तुहानूं दसदे आ उदां मारे ने जवाब दिता सी साईं जी तुहानूं गल करनी नहीं आई जदों मेरे पुत शहीद हो गए मेरा परिवार शहीद हो गया घर छड के आया मैं देश वास्ते धर्म वास्ते ते इदां नहीं सी बोलना चाहीदा पर मारे कहिंदे तुहाडियां गल्लां दा मेरे ते असर कोई नहीं तुहानूं वेखणा नहीं आया ये ठीक आ ना डल्ला ना मल्ला पर गोबिंद सिंह नहीं कल्ला गोबिंद सिंह दे नाल है अल्लाह मारे कहिंदे ने मैं ते कल्ला कदी हो ही नहीं सकदा ठीक आ तुहानूं वेखण दी जाच नहीं उत्थे फिर मारे सी लखी जंगल दा एक इलाका है सतलुज तो लैके जिथों सतलुज पंजाब विच प्रवेश करदा इथों लैके बठिंडे तक 100 किलोमीटर तक दा चौड़ा जिहड़ा रस्ता इस जंगल नूं कहिंदे सी लखी जंगल लखी जंगल विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फिर बह के ते पंथ नूं एक हुक्मनामा लिखिया ते महाराज कहिंदे ने मैं संखेप विच ही दस रहा महाराज कहिंदे हुक्मनामा मेरा सुन के
ते पंथ उड़ीकदा सी भी महाराज नूं कित्थे जाके मिलीए ते लोकां नूं पता नहीं सी लगदा भी गुरु साहब इस वेले कित्थे। महाराज कहिंदे मेरा हुक्मनामा सुन के लोकां नूं रोटी पानी इंज भुल गया जिवें महाराज कहिंदे ने रांझे ने वजाई वंजली जिहड़ा मझां चारदा सी। महाराज कहिंदे ओह जदों वंजली वजाउंदा सी ते ओहदी वंजली दी आवाज सुन के ते मझां दे मूंह विचों घा छुट जांदा सी, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਵੀ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਚੱਲੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਡੀਕੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਡੀਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 21,000 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਟਾਲਾ ਸੁਨ ਮੁਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਨਿੱਧਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਨਿੱਧਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੌਪੜ ਬਣਾਈ, ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਨੇ ਰੋਕ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਊਂ, ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਧਿਆਊਂ, ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ 300, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਭਾਗੇ ਨੂੰ ਸੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਵੇਦ ਰੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਗਰੀਬਨਵਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਆਪ ਮੰਗਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚੰਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਪਾਂਡੇ ਝੂਠ ਮਤ ਬੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਗਰੀਬਨਵਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਆ। ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਸਾਇਆ ਕੱਢ ਦਿਉ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਢਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਢਾਏ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੱਢਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
तुहाडे मूँह तो निकलिया बोल गुरु का बोल। मैं क्या नहीं ये नहीं गल्लां हुंदियां, गुरु की रीस नहीं को कर सकता। नहीं जी साड़ी सरदा ते वेखो। मैं क्या चल ठीक है, केड़ा रखना चाहते हो तुसीं? कहिंदे भी आ जिहड़ा महीना चढ़न लगा ना इस महीने का पहला ऐतवार दे दिओ। मैं क्या जी ठीक है। वह जदों मैं पहला ऐतवार खोलिया तो वह 10 तरीक नूं आ गया। पहलों तो माई भी ना वारे आउण दवे ते नौवीं तो मुंडा भी मारे ना भी नहीं नहीं तुसीं जो दसोगे अहीं उहो ही मनणा। जदों मैं वह मोबाइल अपना खोलिया तो वह पहला ऐतवार आ गया 10। मैं कहा जी लो जी आ पहला ऐतवार आ गया तो 10 तरीक नूं रख लो। तो माई कर दी ना 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 ना, दसवीं तो लोग मरे का भोग पाउंदे अहीं तो कदी भी नहीं रखते। मैं कहा चलो ठीक है बदल लो, अगला ऐतवार बोलो जी। तो मैं ठीक है जी, मैं अगला रख लो। अगला कदों आया? हुण अगला श्यामी नैनु थोड़ा आना सी, वह 17वीं ते 17 तरीक नूं आ गया। ना 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 ना, ये तो लोग 17वीं करते हैं। मैं क्या तुम्हें कोई रखना भी है कि अवे मैनू वरतन ही डे जो भी उत्थे जाके पिंड रौला पाओगे भी कलेर ने साया कढ के दिता। गल सिर्फ ये आ भी लोग अवें कुछ हैगे ने अजे भी नेरे सनेरे जाते ने उन्हां कोल साए कढाउण वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने आख्या जिहड़ा मेरा सिख वा वह नहीं जाएगा किते भी। साहा गणे ना करे विचार, साहे उपर एक ओंकार। पर यह गल कौन जानेगा? जिस गुर मिले सोई बिद जाना। ये इन्हां गल्लां दी कदर पाएगा जिन्हों गुरु पूरा मिल जू, जिन्हों गुरु ना मिलूगा उन्हों पता ही ना लगूगा भी की करना की नहीं करना। फिर गरीब नवाजी उन्हां वो कहिंदे भी गुरमत की कहिंदी मारे? कहिंदे गुरमत कहिंदी अज ने पैदा किया उहदी आराधना करांगे, दूजे किसे दी नहीं करांगे। तो आंदे फिर किदां करोगे? देवी देवत्यां तो बिना तो कुछ रचना ही नहीं हुई। वेखो साडी खलासी किदां कराई, देवी देवत्यां तो बिना तो कोई रचना ही नहीं हुई। तुसीं की करोगे? महाराज कहिंदे रचना करन वास्ते तो दुनिया ते आए आ, रचना करन वास्ते ते आए आ। उत्थे फिर महाराज ने पत्र मंगाया कागज, उन्हां नूं भोज पत्र लिया के दिता, स्याई मंगाई, कलम मंगाई। गुरु साहब जी का सारा प्रबंध सी भी किसी को थोड़ा मंगना, जिहड़ा धरती सोधन वास्ते तुरिया मंग मंग के चीज़ां थोड़ियां लियाऊगा। सारा प्रबंध करके अंतरजामी तुरिया सी भी बटाले की होना तो मैं की करना उत्थे जाके। उत्थे फिर गरीब नवाज जी ने लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। दो डंडियां ला के बंद करता। बंद करके गरीब नवाजी कहिंदे ने थोड़ी जी इटां चार खड़ियां करो। इटां खड़ियां करके ते कपड़ा बछाओ, चादर बछा दिती गई। मूल मंत्र नूं सजा के उहदे अगे फुल भेटा करके अर्पण करके कुछ भेटा रखी दी है जिवें हथ जोड़ के। गरीब नवाजी कहिंदे ने सत फेरे नहीं करांगे, चार फेरे करांगे, क्योंकि इसे गुरु नानक ने चौथे जामे विच सूही राग विच कहना वा भी हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया राम जीओ। बाणी ब्रह्मा वेद, गुरु के सिखां वास्ते वेद रीतियां नहीं चलनियां हुण, उन्हां वास्ते गुरु की बाणी ही ब्रह्मा दे वेद ने। इन्हां दा ध्यान सारे पास्यों हटा के शब्द वाले पासे लाया जाएगा। उसे गुरु ने फिर अपने महल नूं आख्या सुलखणी हुण दूजे तीजे दे कहणे ते नहीं कहना भी उठ किधरो जा किदां, मैं उठ पिया तू भी उठ, माता जी उठ पे। मगर चार परकरमा कीतियां ते महाराज कहिंदे ने भाई मनसुख शाह नूं खड़ा कर लिया। मनसुख शाह नूं पहलों सिखाया होया सी, उह हथ जोड़ के खलो गया। जदों गुरु नानक देव जी ने उठ के चरण चुकया परकरमा करन वास्ते ते मनसुख शाह ने उच्ची आवाज विच पढ़िया वाहे गुरु 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 समा समाप्ति आ। जिनी छेती यह गल होगी कोई एडा सौखा नहीं सी, क्योंकि पहली बारी इनकलाब आया, इनकलाब लियाउण लग्यां कई विरोध कई चीजां दी विरोधता झलनी पैंदी आ। ब्राह्मण ने कहा सी मूल चंद जी जे तेरी पुत्री विधवा होगी
क्योंकि सदियां तो चली हुई मर्यादा नूं अज तोड़ दिता गया। जे तेरी धी विधवा होगी तो जिम्मेवारी मेरी नहीं। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे पंडित जी फिकर ना करो, इहदी धी इदां नहीं विधवा होगी, समा आऊगा तो फिर ही होगी। पर तुसीं इह दसो जिन्हां दीआं वेदां नाल वेदियां करके लावां कीतियां उह विधवा नहीं होईआं? तुहाडे बंदे बैठे रहे ने दुनिया ते अज तक जिहड़े पुराने होए। मारे कहिंदे ने उम्र जिहदी लिखी आ ना ओनी भो के जाऊगा, ते मेरी ती उम्र दा दुनिया नूं पता नहीं लगना भी मेरी उम्र किन्नी का। लिखण वाले लिख लिख के थक जाणगे पर मेरी उम्र नहीं को लिख सकेगा। पता क्यों? हुण उह गुरु नानक शब्द रूप आ, ज्ञानी ध्यानी लिखारी लिख लिख के चले जाणगे पर कोई नहीं दस सकदा भी गुरु नानक दी उम्र किन्नी आ। जिन्ना चिर धरती रहूगी उदों तक दर्शन हुंदे रहणगे, जदों धरती नाम ही ना होगी गुरु नानक तां वी रहेगा। तां करके कोई दस ही नहीं सकदा भी गुरु नानक दी उम्र किन्नी आ। माता सुलखणी इको ही एक दुनिया ते आ जिहड़ी सदा सुहागण रहूगी, होर नहीं किसे दा कोई भी। फुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।